9:30 का टाइम है। फायर फोक चेक करें, फुल ठंडा मौसम, फुल ठंड, बहुत शदीद सर्दी है। मुंह से ना सही हवाड़े निकल रही हैं। तो बाकी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज के सीन कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह मैं और हसनैन दुकान पर जा रहे हैं काली मिर्चें लेने के लिए गाय भैंसों को देनी है। और ठंड शदीद किस्म की पड़ी है, फुल जिसे बंदा कहे ना कि अखीर ठंड, बिल्कुल बेबस, मतलब जिसमें बंदा बेबस होता है, कुछ कर ही नहीं सकता, वो वाली ठंड है। इस हाथ से मोबाइल यूज़ भी नहीं हो रहा, मोबाइल क्लिक तक नहीं हो रहा, इतने हाथ फ्रीज हुए पड़े हैं। और सूरज का किसी साइड पे कोई नामो निशान नहीं है। बाकी दुकान पर जाते हैं और उसके बाद डेरे पर जाते हैं। काली मिर्ची ले ली, ये लहसुन आगे लटका दो। आज के दिन में दो बैड न्यूज़, एक तो ये कि रात की कैटो अभी तक डेरे पर नहीं है, दूसरी बैड न्यूज़ ये कि हमारा एक रैबिट एक्सपायर हो रहा है। तो मैं जल्दी से इसको छुरी से ज़बह करता हूँ, पता नहीं इसको क्या हुआ, मेरे ख्याल में वही है जो कल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। 12:55 हो गए, मुर्गियों को बाहर बस अभी ना मुर्गियों को बाहर निकाला है, क्योंकि पहले तो धूप इतनी ज़्यादा थी और ठंड थी, तो अभी ना नीम गर्म पानी इसके बीच में मैंने डाल दी है। और जगाना जैकी ब्लॉक और मैक्सी इसलिए अग्रेसिव नहीं है, मेरा कज़न आया है, मेरे हाथ में डंडा था, अंदर चली गई हैं, अंदर चली गई हैं। और जब इसने डंडा पकड़ा ना तो इसको काटने के लिए आ गया। डरती ये भी नहीं है ना, है ये पॉइंटर शिकार नहीं है, लेकिन इसके पास जाओ ना तो ये काटने पर आ जाती है। ये देखे जितना पास जा रहा है डंडा लेके उतनी अग्रेसिव हो रही है। अब मैं डंडा पकड़ूंगा देखना, बिल्कुल चुप, डंडा पकड़ने पकड़ने पर चल तो बस, ये देखे उसको पकड़ाऊंगा तो अग्रेसिव हो जाएंगी। चल अंदर, चल चल चल, शाबाश शाबाश, चल अंदर चल। बेबी आ गए, बेबी बेबी, इसके बेबी आ गए, क्या हो गया? हाँ ये पहले की मैंने तब की फटी हुई थी सिलाई करनी, अच्छी बात है। रात को बैठ के यहाँ से चौकीदारा करती है, देखती है कोई चीज़ आई है या नहीं आई। ये देखें फेस यहीं पर रखा हुआ था, इनको चौकीदारा हमें करना पड़ता है, लेना जाए नहीं। ये देखना ना अभी, ये पकड़ो खलो रुमान, अभी देखना फुल टूट जाती है। जिगाना को देखिए, जिगाना को बार कर करके ना थक गया, तो रेस्ट मूड पर लग गया। अब नहीं छोड़ डालना, अच्छा चुप, बिल्कुल चुप 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 चुप। और ये रहा आजकल में मार्केट जाने है, टाइम ही नहीं मिल रहा मार्केट विजिट करने का। इनके लिए ना चेन लेके आनी है, इसकी भी चेन नहीं है, उसकी भी चेन नहीं है, इसको फिर चेन डली हुई है, इन दोनों की चेनें नहीं है। और खरगोश की मैंने ज़बह करके उसमें रख दी है, वो केज में। तो अभी थोड़ा टाइम है ना, खरगोश की खल वगैरह उतार के उसको थोड़ा सा बॉयल करके, बल्कि कच्चा ही ना, इनको डॉग्स को डाल देंगे। कच्चा डाला तो ये ना हमारे बाकी के रैबिट्स के ये खून खुआर बन जाए। तो बाकी बकरों को वंडा डालते हैं और बकरों को बाहर बांधते हैं। अंदर ठंड होने की वजह से तरपाल को अभी तक नीचे गिराया हुआ है, क्योंकि बाहर सही वाली धूप नहीं निकली और अभी तक बिल्ली मानो कैटो नहीं आई। आज मैंने उसके लिए बिस्तर सा तैयार किया था, नीचे बोरियां रखी थी, उसमें बड़ा कारपेट का पीस, लेकिन वो आई नहीं है, बस किस्मत में नहीं था, पता नहीं किधर गई है यार। अल्लाह करे मिल जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ने से घुमी हुई चीज़ मिल जाती है। मैं किस टाइम से पढ़ रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह करे मिल जाए। बाकी आप लोगों ने भी दुआ करनी है। वैसे तो आज बकरों को बाहर नहीं निकालना था, क्योंकि बाहर ठंड है और ठंड की वजह से मुझे हो रहा है थोड़ा सा फीवर, तो मैंने डबल जैकेट पहन लिया, लेकिन नीचे भी पहना हुआ, फिर भी ऊपर जैकेट और पहन लिया। और बकरों को बाहर निकाला है, वो जो कल परसों मैंने सफाई की थी ना अंदर से, तो ये थोड़ी सी रह गई थी। कल शिदात भाई भी मेरे साथ कराया है, लेकिन वो लेट आए थे, वो तब वीडियो नहीं बन सकी, तो आज जो रह गया था ना वो अब दोबारा से कर रहे हैं समा भाई, शिदात भाई। कल तकरीबन परसों बल्कि जो अंदर से रेडियाँ निकली हैं वो 12 निकली हैं, अभी कितनी निकली हैं, एक निकाल लिए, दो एक और निकलेंगी, बाकी फिर इधर ना क्या डालते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। खुरलियाँ वगैरह साइड पर रख दी हैं जानवरों को वरना खिला कर। और आज की वीडियो में एक गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ पिजन्स की है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी इसके ऊपर खड़ा होने होगा, बिस्मिल्लाह। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी फीमेल ने 2 एग्स दे दिए, इसमें भी ब्रीडिंग नहीं हुई, इसमें हो गई है, इसमें भी नहीं हुई और लास्ट वाली में नहीं हुई, बाकी माशाल्लाह से 2 एग्स तो आ गए, फीमेल बाहर चली गई है, उनसे तकरीबन सफाई हो गई। सलमान क्या कर रहे हो यार,
ये बंदा मेरा कजन है और इसको खड़ा किया डंडा देकर के आपने बकरों की रखवाली करनी, क्योंकि आपस में लड़ते हैं तो किसी ने टक्कर मारी है, इसको पता ही नहीं चला। ये मेरे ख्याल में कोई ख्वाब सोच रहा था, मैं किधर जाऊंगा, किसके साथ सेटिंग करूंगा, किसके साथ गपशप लगाऊंगा और किसके साथ कौन सी बात करूंगा। मैं जल्दी से उस डेरे पे जाता हूं और बकरों के लिए पीने का पानी लेके आता हूं। ये वाला कबूतर बाहर छोड़ के आ रहा है पीछो, और इसने इधर छोटे बछड़ों की खुरली की सफाई कर रहा, शाबाश कुछ वंडा है वो उठा रहे। पैसों के कमरे से एक वंडे वाला डब्बा लेके जाना है। जो परसों एक कबूतर घूम गया था ना, यहाँ पर छेड़ लगा रहे थे कि कबूतर, मैंने कहा कोई रह गया, वो काले का कबूतर रह गया था। और काले एक कबूतर को लगड़ उठा के ले गया था, जब वो लगड़ अटैक कर रहा था ना, उसने उठाया हुआ था कबूतर, तब ये छोड़ डाले थे। एक कबूतर वापस आ गया, हमने समझा जिसको लगड़ ने मारा है वो वाला कबूतर वापस आया, लेकिन लगड़ वाला मारा हुआ नहीं, जो परसों गया था जिसको छेड़ लगा रहे थे वो वापस आया। आ जाओ जी आ जाओ, पानी आ गया है छोटा सा डबका, और इतने ज़्यादा जानवर पियेंगे। अब दिन के टाइम ना गाय भैंस यहाँ भी बांधी हुई होती हैं, इनका जो गोबर होता है ना वो राख टाइप बन जाता है जैसे ये, तो ये ना बकरों के नीचे डालेंगे ताकि बकरों को जो गंद हो गया ना, बकरे गंदे भी ना हो, जगह भी गीली ना हो, बकरों को सर्दी भी ना लगे और जगह भी साफ रहे। तो तकरीबन एक महीना गुजार जाता है। एक मिनट छोड़ो, इसको ऐसे क्या कहते हैं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और इससे ना अभी पहले इसको इकट्ठा करेंगे, इस माँ बजे जैसा इकट्ठा करना कहते हैं, वहाँ से गीला गीला है। खैर है ये खुश खुश्क तो है ना, ले आओ रेडी। आगे दो रेड़ियाँ फेंक दी इस माँ भाई, तीसरी रेड़ी फेंकने के लिए जा रहे हैं। और इस ज़िंदगी का बनना एक अपना ही मज़ा है। देखें यहाँ पर मुर्गियाँ, वो सामने डॉग्स, इधर गाय पानी पी रही हैं, इधर भी अपनी मुर्गियाँ एंजॉय कर रही हैं और हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक देसी ज़िंदगी का, देसी माहौल का एक अपना ही अपना मज़ा है और अपना ही अपना रंग है। बाकी मैं खुद शहर में रहता हूँ और मेन शहर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, और शहरों के शहर में रहते हुए भी हम गांव में रह रहे हैं, मतलब शहर से काफ़ी दूर आकर ये ज़िंदगी गुजारने के लिए। बस ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, इस ज़िंदगी का एक खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत मज़ा है। और यहाँ से मैं इकट्ठी करता जा रहा हूँ ये पा, और सिमाब आकर लेके जा रहे हैं। ये देखें ना, ये बकरों के लिए, मतलब बकरों के नीचे बिछाने के लिए बड़ी फ़ायदा मंद है। पंजाब वाली साइड पर ये मुझे तो थोड़े अर्से पहले पता चला, वैसे चाचू बता रहे थे पंजाब वाली साइड पे लोग इसके बोरियां भर कर अंदर रख लेते हैं ताकि जब सर्दियां आए तो माल मवेशी के नीचे डालते हैं। हम तो ना इतने तकरीबन 4-5-6 इंच बकरियों के नीचे डालते हैं और पंजाब वाले लोग सिर्फ हल्का हल्का खाके की तरह इस्तेमाल करते हैं। कबूतरों वाली स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई थी, दो कबूतर भागे थे, एक एक दिन पहले एक एक दिन बाद। जिस दिन बाद भागा था लगड़ ने मारा था, जिसको लगड़ ने मारा था उसी दिन एक कबूतर आ गया था। मैंने समझा कि, बल्कि सब ने यही समझा था कि लगड़ का मारा हुआ कबूतर आ गया, लेकिन कज़न ने आज बताया कि वो लगड़ का मारा हुआ कबूतर नहीं, जो सबसे पहले दिन काला कबूतर भाग गया था वो वापस आया है। और पहले दिन ही उड़े हैं, एक दिन बाहर मतलब गुजार के आ गया, तो इसका मतलब है वो कन्फर्म पक्का घर का हो गया। एक देखें पहले दिन में उड़ के एक दिन छोड़ कर एक दिन घर आ गया, वाह। बाकी तो यार शाम का टाइम हो गया, वो पा जो थी वो बकरों के नीचे डाल दी है, मुर्गियाँ जो हैं वो अपने अपने कमरों में रूम में जा रही हैं। मैक्सी देख रही है रैबिट्स को, क्योंकि रैबिट्स को कल से रात ही है वो ना, एक रैबिट तो आज जबा कर दिए और दूसरा एक रैबिट ये फिर रहा है, और कोई रैबिट ना अंदर बकरों वाली साइड पर चले जाते हैं। बाकी अंदर फिर लाइट चली गई, लाइट वालों ने ना 3-4 दिनों से सही ड्रामे लगाए हैं। स्मार्ट भाई लाइट ऑन करो, सलमान लाइट ऑन करो। ये देखें वो सारा ये नीचे डाल दिए, बकरे अब कितने आराम सुकून से बैठे हुए हैं, देखें खुश्क है। एक खरगोश ये बैठा हुआ है, एक इसके पीछे वो बैठा हुआ है, दो ये हो गए। जिगाना अंदर फेर रही, जिगाना किधर फेर रही, चल भाई चल चल भाई उधर चली गई। जिगाना में पूरी रात मामा के पास नहीं होती, यहाँ पर खुरलियों के नीचे बैठी रहती है। अगर वैसे बैठी हो ना तो बकरे इसके ऊपर पाँव रख देते हैं, तो फिर ये पेओ पेओ करती है। जिगाना को डाइट डाली है ना, तो मैक्सी को देखें, जिगाना की डाइट देख इतना रोला डाल दिया। चुप ए चल अंदर, टाइम आएगा तो मिल जाएगा ना शौकत। एक हमने अपने वाइट वाले चूजे का नाम शौकत रखा हुआ है, ये शौकत है ना ये गिरता रहता है। ये वो दो चूजे थे जो हमने दुकान से 15,000 का पेयर लिया था, एक इसके साथ एक्सपायर हो गया था और एक ये है। सारी मुर्गियां देख रही हैं बस, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है वैसे वैसे अपनी अपनी कॉलोनी में जा रही हैं। बाकी तो यार दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वो माल्टे वाला मुर्गा किधर चला गया, वो ये ले गया है माल्टा मुर्गा, ये शिजाद का भाई है अहमद, ये लोग लेके चले गए। कल या परसों के घर जाऊँगा, किस मुर्गी के साथ इन्होंने मुर्गा लगाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अल्लाह हाफिज़। एक 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 गाय का बीबी आने वाला है, तो स्नैन जे लेके जा रहा है, उसको दवाई देने लगे।